अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। दोस्तों, हामला औरतें ही जानती हैं कि अपने अंदर एक और जान पालना कितना मुश्किल काम है, और अगर वो माँ खुद एक बच्ची हो तो वो काम और भी मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, हम किसी 16 साल की माँ की बात नहीं कर रहे। हमारी इस लिस्ट में किसी भी माँ बनने वाली बच्ची की उम्र 10 साल से ज्यादा नहीं है। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया की कम उम्र तरीन माँ बनने वाली बच्चियों के बारे में बताएंगे। नंबर 6, लैला माफी। वैसे तो ये लिस्ट उम्र के हिसाब से बनाई गई है, लेकिन अगर घटियापन के हिसाब से बनाई जाती तो लैला माफी का किस्सा लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर होता। ईरान की रहने वाली लैला माफी 8 साल की थी जब इसके भाई ने इसकी माँ को पैसे देकर लैला के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाना शुरू कर दिए। जी हाँ, लैला माफी की माँ ने ना सिर्फ एक घिनौने जुर्म को नजरअंदाज किया बल्कि पैसे लेकर इस जुर्म में शरीक भी हुई। और बुरी बात यह थी कि लैला की दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। 19 साल की उम्र में भी लैला का दिमाग किसी 9 साल की बच्ची की तरह था। लैला माफी के हाँ 9 साल की उम्र में जुड़वा बच्चे पैदा हुए, लेकिन इसके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे सजा के तौर पर कोड़े भी मारे गए। लेकिन इसके साथ साथ लैला माफी को भी सजाए मौत दी गई। लेकिन लैला का वकील काफी ज्यादा तगड़ा था और उसने कुछ ऐसी दलीलें पेश की और उसने सही वक्त पर लैला की सजा माफ करवा कर उसकी मदद की। नंबर 5, डेफनी। 27 जनवरी 2013 को ऑपरेशन के जरिए एक खूबसूरत सी बच्ची पैदा हुई। ये बच्ची नॉर्मल थी और उसका वजन तकरीबन 5.5 पाउंड था और उसका कद 19 इंच था। लेकिन इस बच्ची की माँ, जिसका नाम डेफनी था, वो सिर्फ 9 साल की थी। डेफनी के वालदैन ने बताया कि डेफनी ने पहले कभी भी पेट दर्द की शिकायत नहीं की, क्योंकि डेफनी का बॉयफ्रेंड 17 साल का था और उनको ये एकदम नॉर्मल रिलेशनशिप लग रहा था। पहली नजर में तो ये सिर्फ वालदैन की लापरवाही लगती थी, लेकिन छानबीन करने पर यह मामला गंभीर होता जाता है। पुलिस डेफनी के 17 साल बॉयफ्रेंड का अब तक कोई सुराग नहीं लगा सकी। जब डेफनी को कुछ दिनों तक अपने वालदैन से अलग रखा गया तो उसने दावा किया कि इसका 56 साल बाप ही इसकी बच्ची का बाप है। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस ने वार्निंग देकर और बच्ची का ख्याल रखने का कहकर डेफनी को उसकी बच्ची समेत उसके वालदैन के हवाले कर दिया। नंबर 4, एना मोमेंथलर। जब कोई बच्चा नॉर्मल समझी जाने वाली उम्र में ही बालिग हो जाए तो उसे प्रीकॉशियस प्यूबर्टी का मामला कहा जाता है। आमतौर पर लड़कों के लिए ये उम्र 9 से 12 साल जबकि लड़कियों के लिए 8 से 11 साल की होती है। लेकिन स्विट्जरलैंड की एना को 2 साल की उम्र में ही पीरियड्स आना शुरू हो गए थे और इसकी वजह से उसे बार बार अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। एना के साथ हर चीज उम्र से थोड़ा पहले ही हो गई थी। सिर्फ 8 साल की उम्र में ही वो माँ बन गई और उसने एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया। और ये भी पता चला कि एना के वालिद के एक दोस्त ही एना की बच्ची का बाप था। उम्मीद है कि एना के वालदैन ने उसे दोबारा एना के पास नहीं आने दिया होगा और वो अब जेल में सड़ रहा होगा। नंबर 3, हिल्डा टुरिलियो। एक आम नौकर की बेटी हिल्डा पेरू में एक कमरे में अपने घर वालों के साथ रहती थी। इसका 22 साल का एक कजन भी कुछ दिनों के लिए उनके घर रहने के लिए आया था। इसकी गंदी नजरें हिल्डा पर थीं। शुरू शुरू में तो हिल्डा के वालदैन को उस पर कोई शक नहीं था, लेकिन जब हिल्डा की तबीयत बिगड़ती गई तो उसकी माँ उसको डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने बताया कि हिल्डा 5 माह की हामला है। 2 दिसंबर 1957 को 8 साल 7 माह की उम्र में उसने एक बच्ची को जन्म दिया जो कि 6 पाउंड की थी और 9 माह पूरे होने से 1 माह पहले ही ऑपरेशन के जरिए पैदा हुई। जहां तक हिल्डा के कजन की बात है तो उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे सख्त सजा दी गई। नंबर 2, आनिया। किसी को अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने से ना रोक पाना किसी भी माँ बाप के लिए बुरे सपने से कम नहीं है, लेकिन रूस की एक छोटी सी बच्ची के माँ बाप के साथ ये बुरा सपना सच साबित हुआ। छोटी सी मिस आनिया बलूगत की उम्र के वक्त महज 7 साल की थी। उसके 13 साल पड़ोसी की बुरी नजर उस पर पड़ी। 13 साल की उम्र में बच्चों को सही गलत का कुछ न कुछ इलम हो जाता है, इसलिए कहा जा सकता है कि आनिया के पड़ोसी को उसका रेप करते वक्त ये एहसास जरूर हुआ होगा कि वो गलत कर रहा है। आनिया के वालदैन को इस बात का तब ही पता चला जब वो हामला नजर आने लगी थी। पहले आनिया के वालदैन ने समझा कि वो मोटी हो रही है या फिर ये कोई ट्यूमर हो सकता है। इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इनकी छोटी सी बच्ची खुद माँ बनने वाली है।
अप्रैल 2000 में आन्या ने अपनी बच्ची को जन्म दिया। उस वक्त वो सिर्फ 8 साल और 7 माह की थी। नंबर 1, लीना मडीना। इन सब कहानियों में सबसे चौंका देने वाली कहानी लीना की है। 1939 में इस 5 साल की बच्ची ने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। इस मामले को आज तक भी एक मेडिकल की तारीख का मौजा माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, और इसके मुतालिक राय या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।